अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जमान ला। आप देख रहे हैं जमान अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली कहा जाता है सेल का स्केलेटन कहा जाता है इसको, या सेल को हम कहें कि फ्रेमवर्क ऑफ सेल। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है, ये एक नेटवर्क है हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन फाइबर्स का, जो हमें प्रोवाइड करती हैं थ्री डायमेंशनल शेप, जिसको हम कहते हैं क्या, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या करता है, ये मेंटेन करता है और चेंज से शेप और सेल का, ये सिक्योर करता है कुछ ऑर्गेनेल को अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे, इनेबल करता है मूवमेंट साइटोप्लाज्म की और वेसिकल्स की सेल्स के अंदर, और सेल को मूव कराने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टिमुलाई की तरफ। हमारे पास ये जो साइटोस्केलेटन है बेसिकली इसमें तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनकी एक बाय एक ही। ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, ये माइक्रो फिलामेंट, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे पास, ये माइक्रो ट्यूब्यूल हमारी आ रही है, ठीक है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, इसमें तो तीन है, माइक्रो फिलामेंट है, माइक्रो ट्यूब्यूल है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। पहले हम माइक्रो फिलामेंट्स की बात करते हैं, तो ये हमारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्ट्रैंड होती है 7 नैनोमीटर इन डायमीटर होती हैं। ये कंसिस्ट करती हैं दो एक्टिन चेन जो इंटरट्विन होती हैं एक हेलिकल फैशन में, देखें एक दूसरी, और इनके जो सब यूनिट्स होते हैं इनको एक्टिन कहा जाता है, और ये इंटरट्विन होती हैं ऐसे हेलिकल फॉर्म में एक के ऊपर दूसरी। इनमें से कुछ माइक्रोफिलामेंट्स के पास जो है मायोसिन भी होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है और ट्रोपोनिन होता है, इंटरवल करती हैं। ये हमारे लिए मायोफाइब्रिल बनाती है मसल्स में, और ये परफॉर्म करती है फंक्शन किसमें, मसल कॉन्ट्रेक्शन में। ये हमें उसके साथ साथ ये फंक्शन स्टोर फंक्शन करती हैं चेंज इन सेल शेप में, उसके अलावा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में जब डॉटर सेल्स बनते हैं, साइक्लोसिस कराने में हेल्प आउट करती है मूवमेंट साइटोप्लाज्म की, और स्यूडोपोडिया जो होते हैं एमोबा के उनको मूवमेंट कराने में हेल्प आउट करती है हमारी ये माइक्रोफिलामेंट। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारे पास है माइक्रो ट्यूबुल, ये होलो ट्यूब्स होती हैं जिनका जो डायमीटर होता है आउटर वो तकरीबन 25 नैनोमीटर होता है, और ये बनी होती है प्रोटीन की, उन प्रोटीन को कहा जाता है ट्यूबुलिन। ये एक सिंगल माइक्रो ट्यूबुल जो होती है, इसमें हंड्रेड्स थाउजेंड ट्यूबुलिन होती हैं, सब यूनिट्स होते हैं जो तकरीबन 13 कॉलम्स में होती हैं। हर एक जो इनकी जो सब यूनिट होता है उसको कहा जाता है प्रोटोफिलामेंट। ये प्लांट सेल के अंदर फ्रीली डिस्पर्ड होते हैं माइक्रो ट्यूबुल, और ये अरेंज होते हैं जब सेल हमारा डिवाइड होता है, स्पाइनल फाइबर बनाते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है, कहाँ से, सेंट्रोल में से। तो माइक्रो ट्यूबुल जो हमारी हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स सेल डिवीजन के दौरान, और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल की करवाते हैं सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में, और मूवमेंट करवाती है हमारे पास सीलिया और फ्लेजिला की। इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट ये हमारे पास सॉलिड स्ट्रैंड होती हैं 8 to 12 नैनोमीटर डायमीटर होती हैं, ये इंटरमीडिएट होती हैं किसके बीच में, माइक्रो फिलामेंट और माइक्रो ट्यूबुल में। ये हमारी बनी होती हैं एटलीस्ट 5 different types ऑफ प्रोटीन्स की, जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है वायमेंट। वायमेंटन एक किस्म की प्रोटीन होती है। ये हमारे लिए रोप बनाती हैं, रोप लाइक पॉलीमर्स बनाती हैं। ये जो है दूसरी दो टाइप से मुख्तलिफ होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये असेंबल और डिसअसेंबल नहीं होती, मतलब कि वापसी खत्म होने के बाद वापसी नहीं बनती। ये हमारे लिए क्या बनाती है, नेटवर्क बनाती है साइटोप्लाज्म में, प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट प्लाज्मा को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। ये हमारी जो है इंपॉर्टेंट होती है, मेंटेन करती है शेप का सेल का और मसल के अटैचमेंट के साथ, और उसके साथ साथ हमें सपोर्ट करती है नर्व सेल्स के एक्सॉन्स को, प्रोसेसेस को। ये हमारे पास जो है इनके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, मोनोमर है, ये डाइमर है, ये टेट्रामर है, ये इनकी जो है 8 शीट्स आ गई, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट की, और ये हमारे पास इनके जो है 8 to 9 नैनोमीटर डायमीटर में इनका स्ट्रक्चर दिया गया है।